देहरादून के सेलाको स्थित डीबीएस कॉलेज में एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने डीबीएस कॉलेज में जमकर हंगामा तोड़फोड़ की। देर रात तक स्थित नियंत्रण से बाहर रही डीबीएस कॉलेज को देहरादून का प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के हजारों छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। बता दें कि कुछ दिनों से डीबीएस कॉलेज के एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र एक छात्र को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पीड़ित छात्र को ही कॉलेज प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। वीडियो में पीड़ित छात्र ने जब खुद के साथ हुए अत्याचार की कहानी बयां की तो कॉलेज के अन्य छात्र आक्रोशित हो गए। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया। मामले में एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। और मैं अभी जो ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि और जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले मुझे मारने की, वो मैं ही था। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इन कॉलेज वालों ने मुझे 21 दिन के लिए सस्पेंड किया है बिना मेरा कोई गलती के, और उन लोगों को भी 30 दिन के लिए सस्पेंड किया। उन लोग के अलावा खास कुछ एक्शन लिया नहीं गया है, और उन लोगों को सिर्फ हमको 21 दिन का, उन लोगों को 30 दिन का, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो हुआ है हम लोगों के साथ गलत हुआ है। एक बच्चे को चार बच्चों ने किसी पर्सनल ग्रिजिस की वजह से पीटा था, जिस पे कॉलेज ने कार्रवाई करी और उन चारों बच्चों को सस्पेंड किया 30 दिन के लिए, और जिसमें बाकी बच्चों के जब दो गुटों में झगड़ा हुआ उस वजह से कॉलेज में ये सारी तोड़फोड़ करी गई, क्योंकि वो प्रशासन पे दबाव बनाना चाहते हैं कि उनको सस्पेंड ना किया जाए। ये सेलाकोई में दून बिजनेस स्कूल है, इसमें कल देर रात्रि छात्रों के द्वारा वहाँ पर तोड़फोड़ और मारपीट की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर गया था। वहाँ मौके पर देखा कि काफ़ी सारे 150-200 की संख्या में एकत्र थे और वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा ये अपना बलवा जारी रखा गया। वहाँ गमले और अन्य गाड़ियों को पलट दिया गया, पुलिस के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया। इसको देखते हुए वहाँ पुलिस ने वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की। आसपास के थाना फोर्स से भी पुलिस को भेज दिया गया था। वर्तमान में तो स्थिति नियंत्रण में, हमारा पर्याप्त फोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, PSC भी लगाई गई है और स्थिति नियंत्रण।